हाय गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य। वेलकम टू डेज वीडियो। सो जिन जिन को नहीं पता, मैं इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट बनाता रहता हूँ, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो और फिटनेस लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो। सो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के साथ, आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मिलता रहेगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एग्स। आपने बहुत बार सुना होगा एग्स के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अंडे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन है, कितनी कैलोरीज हैं, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, इसको खाने से हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं ऑल अबाउट एग्स। एग्स के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? देखो, जो भी आप एग देखते हो ना, एक लार्ज साइज एग जो नॉर्मल मिलता है हमें एग इंडियन मार्केट में, अगर हम एक लार्ज साइज एग की बात करें तो उसके अंदर अराउंड होती है 70 से लेके 80 कैलोरीज। एगशेल बना होता है, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एगशेल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से और अराउंड एक लार्ज एग के अंदर है 70 से लेके 80 कैलोरीज। एग की मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है? मैक्रोस क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। एग्स के अंदर कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट्स हैं? जो एक लार्ज अंडा होता है ना, जिसके अंदर 70 से लेके 80 कैलोरीज हैं, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा 6 ग्राम, फैट्स मिलेंगे अराउंड 5 ग्राम, 5 ग्राम के अंदर आपको 1.5 ग्राम मिलेगा सैचुरेटेड फैट और बाकी का फैट होगा मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। कार्ब्स आपको मिलेंगे 0.5 ग्राम, विच इज जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। मैं एक बार फिर बता देता हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। प्रोटीन मिलेगा आपको अराउंड एक बड़े अंडे के अंदर 6 ग्राम, फैट्स में आपको मिलेंगे अराउंड 5 ग्राम और 5 ग्राम के अंदर 1.5 ग्राम होगा आपका सैचुरेटेड फैट और बाकी का बचा हुआ फैट होगा मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। कार्ब्स मिलेंगे अराउंड 0.5 ग्राम्स, जो कि कुछ भी नहीं होते, आप ऑलमोस्ट ना ही मान के चलो। तो मेनली एग्स के अंदर है हमारा प्रोटीन एंड फैट्स। अब बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स के बारे में, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको इसके अंदर कौन कौन से मिलेंगे? आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे आप देखो कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, ई, के, बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। इट इज फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्स खाने के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? देखो, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं मेन बेनिफिट्स की बात करूंगा। नंबर वन बेनिफिट है हाई इन प्रोटीन। एग्स बहुत हाई इन प्रोटीन है। अगर आप एक लार्ज अंडे की बात करो ना, एक लार्ज अंडे के अंदर होता है अराउंड 6 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके अंदर आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, तो एक ओवरऑल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो हाई क्वालिटी प्रोटीन है एग्स के अंदर। एक अंडा खाओगे 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। नंबर टू बेनिफिट ये एग्स का, ये आपकी हेल्प करेगा गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रेज करने में। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल जो होता है वो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना एचडीएल, वो उसको रेज करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रेज करेगा आपकी बॉडी में अगर आप एग्स खाओगे तो। नंबर थर्ड बेनिफिट ये है इसका, ये बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादातर आपको फिश में मिलते हैं, तो बहुत से लोग फिश नहीं खाते, मैं भी फिश नहीं खाता, बहुत सारे लोग नहीं खाते, तो जो जो लोग फिश नहीं खाते वो लोग एग से भी ले सकते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के लिए एग बहुत अच्छा सोर्स है। नंबर फोर्थ बेनिफिट एग का ये है, ये ग्लूटेन फ्री है। देखो, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल रहा ग्लूटेन हमारी बॉडी के लिए बेकार है, ग्लूटेन हमें नहीं खाना चाहिए। ग्लूटेन हम खा सकते हैं अगर हमारी बॉडी को वो डाइजेस्ट होता है तो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको रोटी डाइजेस्ट नहीं होती, तो एग ग्लूटेन फ्री है। जिनको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है या ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो लोग एग्स खा सकते हैं और वो एग्स से अपना अच्छा खासा प्रोटीन ले सकते हैं। एग्स में बहुत अच्छा प्रोटीन है, अराउंड एक एग के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है। नंबर फिफ्थ बेनिफिट एग्स का ये है कि ये हमें फुल रखता है, हमें एक फीलिंग आती है फुलनेस की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी सेटाइटी को, हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। सो एग्स जब भी हम खाते हैं हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अब देखो, मेरी सजेशन तो हमेशा यही है कि हमें वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस इन्वॉल्व करना है। हमें अंडे भी खाने हैं, हमें दाल भी खानी है, हमें चावल भी खाने हैं, हमें रोटी भी खानी है, हमें दूध भी पीना है, डिफरेंट फूड आइटम्स खानी है, डिफरेंट फूड आइटम्स से अपना प्रोटीन लेना है
और बैलेंस डाइट मेंटेन करते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, एक हैप्पी लाइफ भी जीनी है, अच्छा वर्कआउट भी करना है, अच्छी डाइट भी लेनी है, स्ट्रेस लेवल्स भी कम करने हैं, अच्छी नींद भी लेनी है 7 से 9 घंटे की, क्वालिटी डीप स्लीप, एग्स भी इंक्लूड करने हैं, वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस खाने, चाहे हम एग्स खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, चावल खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जितनी भी चीज़ें हैं सब खानी है थोड़ी थोड़ी, और उन सब चीज़ों से हमें अपना प्रोटीन पूरा करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंटेक पूरा करना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंटेक पूरा करना है, और डेली जो भी हमारा गोल है कैलोरीज का वो पूरा करना है, मेन चीज़ ये है। और एग्स भी हम डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं हमारी डाइट में अगर हम एग्स खाना चाहते हैं तो। एग्स के और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स भी हैं कि हम एग्स नहीं खा सकते, जो लोग वो वेज में फूड खा सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर भी आगे वीडियोस बनाऊंगा, बट एग्स के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे मैंने भी आपको बताया। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर गाइज़।